And that's how it's done. Dum dum dum, dolu bhaiya, dolu bhaiya, dolu bhaiya, dol. Oh dum dum dum, dolu bhaiya, dolu bhaiya, dolu bhaiya, dolu bhaiya. Dolu bhaiya is tabele ke owner hai. यहाँ की गाय, यहाँ की भैंस, यहाँ की गोबर सारी सारी ढोलू भैया की है। नहीं, क्या बात है? गोबर गाय और भैंसों की है। सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है, हम चारों में से कोई उपले बना पाएगा? लगता तो नहीं है। अरे ऐसा कैसी बात कर दी आपने? उम्मीद ही नहीं है, बिल्कुल उम्मीद ही नहीं है। तो उपले क्या गाय का होता है, भैंस का होता है? कोई सा भी मिक्स होता है। उपले जैसे बन गए, फिर क्या काम किसके आते हैं? उपला तो हर चीज के काम आती है, जैसे किसी आदमी की बॉडी जलानी हो। क्या क्या क्या? अरे यार आप डरा दिया पहले ही आपने। आदमी की बॉडी, वो तो लकड़ी पे चलाते हैं। नहीं, वो इससे ज्यादा नहीं थी। इनफैक्ट मैंने ये सुना है कि बनारस के अंदर एक घाट ऐसा है जहाँ पे आप लकड़ियों का यूज कम करके क्रिमेशन के लिए उपले यूज करना चालू कर रहे हैं, बिकॉज वो एनवायरमेंट के लिए ज्यादा अच्छा है। कम पेड़ काटने पड़ते हैं और गाय भैंसों से गोबर तो हमें नेचुरली मिलता ही मिलता है। आपने आज तक मतलब दिन में सबसे ज्यादा उपले कितनी कितने बनाए? 200, 400, 300, 250। मतलब दूध निकालने से ज्यादा आसान है? आसान भी नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है आपका ओके टेस्टेड की किचन में। आज ढोलू भैया हमें बनाना सिखाएंगे केक, काउ डंग केक। काउ डंग केक ढोलू भैया। अच्छा एक मिनट, ये एगलेस है ना? क्या केक? इग्नोर, आप प्लीज बताओ कैसे बनाते हैं? जस्ट आस्किंग। कितना टाइम लगेगा ढोलू भैया? थोड़ा सा ही लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा सा ऐसे नीचे भूसा गिर के ना। ठीक है भाई, ये तो चोको पीस लग रहा है। अंदर से पीला पीला है भाई, अंदर ये तो डार्क फैंटेसी चोको पीस है भाई। अरे बन तो गया, तालियां हो जाए। हमारा ब्लैक फॉरेस्ट काउडंग केक बिल्कुल तैयार है। अरे इतना जल्दी कैसे बना लिया आपने? जल्दी बन जाता है तो लगा के। मेरे को क्यों डोलो भैया? ये अबे हटो मेरे पे, क्यों डोलो भैया? तो करके तो देखो क्या लगा दिया तुमने। क्या लगा? आप तो फिर भी दूर है तेरी। अरे देखो अबे अबे हाथ तेरी। मैं कैसे उठाऊं से? मैं बदला लेना चाहता हूं। मेरी स्ट्रैटेजी है, एक डीओ मारूंगा मैं पहले, देखूंगा स्मेल कम होती है कि नहीं होती है। आई नो स्टूपिड बट देन लेट्स सी। नाक ही मना कर रही है तो हाथ तो क्या ही जाएंगे अभी इसमें, पर करना तो है भाई। तो अगर तिनका उठ सकता है तो ये भी उठेगा। अब सब एक बारी में उठाऊंगा मैं। आज तक लाइफ में कभी भी अपनी टट्टी के अलावा किसी की टट्टी नहीं छुई, तो जब मैंने छुआ उसको तो वो जो सेंसेशन जो हाथ में है ना, मक्खी मच्छर गोबर, वो उल्टी सी आ रही यार। हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया। अभी मुझे लग रहा है कौस्तुब के लिए सही था कि कौस्तुब को जुकाम है, कौस्तुब को स्मेल नहीं आ रही होगी। नहीं मैं बहुत बदबू आ रही है यार। मेरे ख्याल से काफी है इतना। किसी ने अगर मुझसे फालतू बकवास की ना, भूसा दूंगा रख के। भाई क्या करा दिया भाई ये। अच्छा अभी पता कैसा लग रहा है, चॉकलेट ब्राउनीज आप में बेक होके जैसे गरम गरम निकली हो,
उसकी जो हल्की सी गर्माहट होती है, इसका टेम्परेचर इस वक्त वैसा ही है। मेरे हाथों के साथ मेरे मुंह के अंदर पता नहीं क्यों टेस्ट आ रहा था, क्योंकि मैंने इसे खाया भी नहीं है। सबसे पहले थोड़ा सा भूसा डालेंगे ताकि उपले को चिपकाने में परेशानी ना हो। थोड़ा बहुत मेरे को रोटी वोटी बनाना आता है, तो उन्होंने कहा रोटी जैसा है तो वैसे ही चलेंगे। आटे की तरह हमने इसको लिया और पहली बार ऐसे ऐसे कुछ कर रहा हूँ मैं। अरे टट्टी। उसके बाद थोड़ी देर में कंफर्टेबल हो गए यार, ऐसा लगा कि हाँ कुछ भी हो अंदर से हम सब देसी हैं, अपने देश वाली सारी चीजें हम कर सकते हैं। ये शाबाश, एकदम बेहतरीन उपला बन चुका मेरा, एक शेप आ चुकी है इसकी। पानी ज्यादा है इसके अंदर, तो इसके अंदर थोड़ा सा और भूसा मिलाएंगे। अरे गायब होते रहिए भैया। जो एक चीज थी वो टच, वो गोबर, वो गीली गीली गोबर, और उसकी जो पानी था वो शायद पानी नहीं पेशाब था, बट वो जैसा भी था ठीक था। वो एक्सपीरियंस जैसा भी होता, बुरा अच्छा नहीं होता, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस होता है। कैसा लग रहा है? कंसिस्टेंसी भी सही लग रही है मुझे, और अभी सच्ची में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत कंफर्टेबल हो गया यार। जितना मैंने सीखा था ढोलू जी से, जो थे ये भूसा ऊपर से डाल दिया, गार्निशिंग करती थी भूसे की, मैंने भी वही किया है। ये काफ़ी गीली थी, उनकी काफ़ी सख्त थी। आई वांट इनवाइट कौस्तुभ पवित्र एंड मिस्टर अंतिल टू माय बर्थडे पार्टी एंड आई वांट गिव देम सम केक। अगर शोले मूवी का बंगाली रीमेक बनेगा तो उसके अंदर विलन ये होगा, क्योंकि ये गोबर सिंह है। हम बढ़ेंगे दूसरे उपले की तरफ, बेहतरीन तरीके से इसको एकदम शेप देंगे। आह शाबाश, व्हाट ए काउडंग केक। इसमें सिर्फ एक चीज मिसिंग है, दैट इज कैंडल। गणेश हमें बड़ा ये बोल रहा था कि मैं हम तीनों को इनवाइट करेगा अपनी बर्थडे पार्टी पे और वो केक खिलाएगा, पर शायद भूल रहा है कि जिसका बर्थडे होता है केक सबसे ज्यादा वही खाता है, और उसी के मुंह पे भी उसी के मुंह पे भी केक लगता है, तो क्या बुलाएगा? केक मिल जाएगा। मेरे को पर्सनली मेरे को पवित्र का सबसे ज्यादा सही लगा था, मतलब उसकी जो भी स्ट्रेटजी थी, गोबर भूसा, बट आई थिंक इट वर्क। हाँ देखो बढ़िया सा लग रहा है ना, तो मैं इसके दोनों साइड बेसिकली भूसा लगा रहा हूँ कि थोड़ा ड्राई हो। हाँ तो मेरे तीन उपले तैयार हैं। कौस्तुभ की एक्चुअली खिचड़ी इसलिए बनी थी क्योंकि इसने भूसे और गोबर को मिलाया ही चावल दाल की तरह था, तो चावल दाल मिलाओगे खिचड़ी बनेगी। खिचड़ी बनेगी ना भाई, इसको मिला दिया दाल चावल की तरह, हम इसे मिला देंगे। तो दो उपले मैंने बनाया और वो पता नहीं क्या बनाया मैंने, वो खिचड़ी बना दी थी। तो भाई यार ये क्या बना रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता। इसके ऊपर और डाल दिया मैंने। मैं अपने उपले को नाम देना चाहूंगा, इसका नाम है टिल्लू, इसका नाम है बिल्लू, ये शशि जो अभी बन रहा है। पर उठाए कौन सा भी ये कंफ्यूजन है, तो ऐसा तो नहीं ना एक गिर गया तो दूसरा उठा सकता हूँ ना मैं। चल चल बेटा 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 बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। आई एम एब्सोल्युटली रेडी टिल्लू, तैयार है ना बेटा? ये टिल्लू अंतिल भाई, कनिष्क, पवित्र, मैंने, हम सब ने बड़ी मेहनत करके वो उपले लगाए, लेकिन टिके सिर्फ उनके जिन्होंने दिल से लगाए। चिपक गया। सही है ढोलू जी, सही है। अरे सही यार, कौस्तु स्माइली भी बना के आया, तो हमें लग रहा है मैं उल्टा बनाऊंगा नीचे वाला, क्योंकि हाथ तो भी पिलपिला सा हो रहा है, पर करते हैं एक बार। हे माँ, क्या ख्याल है कौस्तु? उपले देवता अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मुझे शक्ति दीजिए चिपकाने के लिए। उपले के साथ मेरे अरमान टूटते हुए दिख रहे हैं मुझे, गाइस गाइस। ये इसकी मतलब बुद्धि थी जिसने काम नहीं किया। तो क्या क्या थी तेरी? किसी भी चीज ने काम नहीं किया, बुद्धि, हाथ, उपला। उपले देवता मेरा उपला मुझसे जुदा नहीं होना चाहता, मेरा और पवित्र का उपला फिर भी काफी कंपेटिटिव है एक दूसरे के साथ। आपको किसका उपला सबसे बेस्ट लगा बताना हमें, ठीक है? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, अभी हम सब घर जाके नहाएंगे, मतलब अपने अपने घर जाके नहाएंगे, एक साथ नहीं नहाएंगे। और हाँ मतलब उम्मीद है कि आज रात तक, कल सुबह तक, परसों रात तक हमारी स्मेल चली जाए। बट आपको वीडियो कैसा लगा ये तो बताओ यार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, अगर आपको स्मेल आ रही है यहाँ से तो जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, तो कमेंट करके बताओ कि हम और क्या ट्राई करें, और टैग करो उनको जो ये भी ट्राई करना चाहते हैं। गोबर गोबर गोबर, हाँ गोबर 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 हर तरफ है, उपला कड़क है, गोबर हर तरफ है,
उपला कड़क है हाथों में हमारे आज गोबर 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 गोबर।